हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा क्यों ना नए साल का पहला वीडियो किसी मीठे के साथ हो जाए। चलिए, आज मैंने बनाई है होममेड चॉकलेट्स, जिसको सुनकर आपके मुंह में पानी आने वाला है और डेफिनेटली इसको देखने के बाद तो आप इसे जरूर ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है व्हाइट कंपाउंडर। ये कंपाउंडर जो होते हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये कंपाउंडर इस तरीके से आते हैं। आप अगर इन्हें एक बार ऑर्डर करते हैं तो आप इसे इजीली 5 से 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। देखिए, मैंने यहाँ दो तरीके की चॉकलेट बनाई है, जिसके लिए मैंने पहले तो लिया है बादाम और किशमिश, और दूसरी के लिए मैंने लिए हैं जेली, जो कि फलेरो जेली आती है ना, किराने की शॉप पे मिल जाती है। तो बादाम को मैंने एक बादाम के कम से कम 3 से 4 पीसेस कर लिए हैं या टुकड़े कर लिए हैं, और किशमिश रख ली है। चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट जैसे काजू, अखरोट, इन सभी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ बादाम और किशमिश लिए। तो चलिए, बादाम को कट कर लिया है और अब मैंने माइक्रोवेव में इस चॉकलेट को हल्का सा मेल्ट कर लिया है, सिर्फ 30 या 20 सेकंड पर। चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर यूज़ किया है, जिससे हमारी जो चॉकलेट होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं। इसे देखिए, अब मैं स्पून से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखिएगा, ये वाइट कंपाउंडर है, अगर आप इसे ज़्यादा माइक्रोवेव कर लेंगे या ज़्यादा टाइम के लिए इसे गर्म करेंगे तो ये जल भी सकता है। चलिए, इस तरीके का मेरे पास ये चॉकलेट मोल्ड था, जो कि सिलिकॉन का था। अगर आपके पास ये नहीं है तो देखिए, पता है मैंने यहाँ अप्पे का जो सांचा होता है या अप्पे का जो पॉट होता है उसमें भी बना ली है। आपके पास अगर आइस ट्रे हो तो आप आइस ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए, ये सारी जेलीज को मैं ओपन कर कर इस मोल्ड में एक एक कर कर रख देती हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें मेल्ट करी हुई वाइट चॉकलेट ऊपर से थोड़ी थोड़ा सा सब में एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको करना है। ध्यान रखिएगा ये बाहर ना जाए, वरना इसका शेप खराब हो जाएगा। प्लेट के साथ तो मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो आज मैंने इसीलिए जेली वाली चॉकलेट ट्राई की है। ये वाली चॉकलेट ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ख़ासकर छोटे बच्चों को, क्योंकि जब वो इसे खाते हैं तो अंदर से इसमें जो जेली निकलती है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अगर रही बात बड़ों की, तो आप उसे ड्राई फ्रूट के साथ भी बच्चों को खिला सकते हैं। जैसे कि बच्चे कई बार ड्राई फ्रूट खाना कम पसंद करते हैं, तो चॉकलेट के साथ आप उसे बच्चों को ज़रूर खिलाइए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 2-3 मोल्ड में किशमिश ऐड करके उसे भी अच्छे से फिल कर दिया है। हम इंदौरी लोग ना बहुत जुगाड़ू होते हैं, कुछ भी काम किसी भी जुगाड़ के साथ चला लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो ये नॉनस्टिक अप्पे का मेकर है ना, मैंने इसमें भी ट्राई कर ली है ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट। तो सबसे पहले मैंने इसमें वाइट चॉकलेट ऐड की है, और अब ऊपर से इसमें मैं ये सारी कटी हुई बादाम को अच्छे से ऐड कर देती हूँ। चलिए, ये बादाम हो गई, अब इसमें बची हुई किशमिश भी हमें अच्छे से 2-2, 3-3 कर कर ऐड करना है। चॉकलेट मोल्ड में ना चॉकलेट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए मैंने ये अप्पे के मेकर में ट्राई किया है, और वैसे भी ये नॉन स्टिक है तो इससे बहुत इजीली चॉकलेट बाहर निकल जाएगी। तो चलिए, एक ब्रिक मैंने यहाँ पर अब मिल्क कंपाउंडर की, यानी कि चॉकलेट कंपाउंडर की ली है। इसे भी चाकू से थोड़े छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और इसे मैं माइक्रोवेव में 10 सेकेंड के लिए मेल्ट कर लूँगी। देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें भी मैंने बटर यूज़ किया है, ताकि चॉकलेट जो हमारी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखिए, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आपको क्या करना है, गैस पर एक तवा गर्म रखना है मीडियम फ्लेम पर, और एक स्टील के बॉल में इसे चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। बहुत ईजिली हो जाता है वैसे तो। चलिए, अब मैंने क्या किया है, जो बादाम और किशमिश थे उनके ऊपर ये वाली डार्क चॉकलेट को भी आधा आधा चम्मच डालकर अच्छे से एडजस्ट किया है। आप अगर चाहें तो पूरा मिल्क कंपाउंडर में भी इसे बना सकते थे, बट मैंने ना इसे 2 शेड में बनाई है, मतलब कि ये थोड़ी सी तो वाइट कलर की दिखेगी और थोड़ी सी चॉकलेटी दिखेगी, और अंदर होंगे इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। चलिए, अब हम इसे ठंडा होकर सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारी जो जेली वाली चॉकलेट थी ये तैयार हो चुकी है। देखिए, ये जो सिलिकॉन का मोल्ड था, इससे ना चॉकलेट बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है बिना किसी मशक्कत के।
आप देख पा रहे हैं कितनी फटाफट से यहाँ पर चॉकलेट बाहर निकल चुकी है। वाले सिलिकॉन के जो मोल्ड होते हैं ये आपको किसी भी मॉल में या किराना शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। 100 या 150 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है बट ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। उसके बाद चलिए हमारी दूसरी वाली जो शेडेड चॉकलेट है, देख रहे हैं आप, ये 2 शेड में तैयार हुई है। ये भी कितनी आसानी से निकल रही है क्योंकि ये जो मेरा पेन था ये नॉन स्टिक था। इस तरीके की सिल्वर फॉइल जो होती है ये मार्केट में मिल जाती है, आप इससे चॉकलेट को आसानी से रैप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जो हमारा नॉर्मल वाला टिफिन वाला सिल्वर फॉइल होता है ना, आप उसमें भी इन चॉकलेट्स को फिल कर रख सकते हैं। ये वाली चॉकलेट है ये ना 5 से 6 महीने तक कभी खराब नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो इन्हें बिना रैप करे भी एक एयर टाइट डब्बे में रख कर स्टोर कर सकते हैं, वो भी फ्रिज में। ये होममेड चॉकलेट आप घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकती हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में इसे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, न्यू ईयर हो या कोई और पार्टी हो, इसे अच्छे तरीके से डेकोरेटिव कर और जरूर गिफ्ट भी कर सकती हैं। मेरे पास तो इन चॉकलेट्स को बनाने के बहुत सारे आइडिया और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और हाँ उससे भी कई ज़्यादा इन्हें डेकोरेट कर गिफ्ट करने के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से चॉकलेट्स वाले वीडियो और लेके आऊं तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, ताकि चॉकलेट वाली सारी रेसिपी और सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो लीजिए भैया, हमारे न्यू ईयर को और भी ज़्यादा हैप्पी बनाने के लिए तैयार है हमारी यमी और डिलीशियस सी चॉकलेट्स। अगर आपको भी मेरा ये स्वीट और डिलीशियस सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप खुद इस चैनल पर नए हो तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।